ज्यादा भीड़ है ये आप देख सकते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी था इसे बनाना। कार्य सस्थल है, यहीं पे कार्य इसका हो रहा है, ये तो कुछ इस तरह से है ये ब्रिज। हाँ, किस तरह से कार्य हो रहा है। और ये सूर्य कुंड का दीवार है। और जय श्री राम, मैं मनोज अयोध्या वाले आप सभी का एक बेहतरीन से वीडियो में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है हम अपनी वीडियो में अच्छी से अच्छी चीज़ें आप सभी को दिखाएं और जानकारी उसमें खुल दें, ताकि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए। दोस्तों, हम अयोध्या के रिलेटेड धार्मिक वीडियो और कितने कार्य हो रहे हैं उसके वीडियो बनाते हैं, और हमेशा आप सभी को प्रूव करेंगे हम अच्छे से अच्छे आप सभी के लिए वीडियो लेके आए। तो दोस्तों, इस क्रम में हम आ पहुँचे हैं दर्शन नगर, जो फ्लाई ओवर का निर्माण हो रहा है वो हम आप सभी को आज दिखाने वाला हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। इसके तीन पार्ट में हम दिखाएंगे, जो तीन पार्ट में दिखाने वाले हैं तीन जगहों पे हैं, यहीं पे हैं सूरज कुंड और दर्शन नगर के स्थित में है, हम वो आप सभी को दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, ऐसी तीन वीडियो इसका लेके आएंगे हम और पूरी जानकारी देंगे। और हमारे वीडियो में बने रहिए, लेके चलते हैं आप सभी को लोकेशन के तरफ। तो दोस्तों, ये आप सभी को लेके जाएगा अचारी का सगरा। और हम जो ब्रिज की बात कर रहे थे, ये ब्रिज ये है, और यहाँ कुछ अभी आधा तो निर्माण इसका कहा जाएगा, आधा तो हो चुका है, और कितना बाकी है क्या कुछ दिखता है तो हम आप सभी को लेके चलते हैं दिखाने के लिए। तो दोस्तों, ये देखिए कुछ इस तरह से ये बन रहा है, और इसके नीचे हम इस समय है ब्रिज के नीचे, ये देखिए कुछ इस तरह से इसके पाए वगैरह बने हैं। और ये देखिए इसका जो कार्य स्थल है, यहीं पे कार्य इसका हो रहा है, ये इसके कार्य स्थल है। यहाँ पे देखिए बड़े बड़े किराने जेसीबी वगैरह लगे हैं, हाइड्रा, ये सारी चीज़ें। तो कुछ इस तरह से है ये ब्रिज, और यहाँ से हम चल रहे हैं सूर्य कुंड के तरफ, जहाँ पर सूर्य कुंड है। और यहाँ इस समय ट्रेन भी आ चुकी है, ये देखिए ये बन रहा है लोहे का, इसमें जो जाल है इस तरह बन रहा है। और यहाँ से आप जो रेलवे क्रॉसिंग है इसके वजह से इसे दिया गया है। तो ये देखिए दोस्तों, कितना ज़्यादा भीड़ है, इसको देखते हुए ये ब्रिज बनाया जा रहा है, जो फ्लाई ओवर बन रहा है, ये भीड़ देखने के। अभी गाड़ी जा चुकी है, तो गाड़ी जाने के बाद में कितना ज़्यादा भीड़ है ये आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी था इसे बनाना, और काम भी इसका चालू भी है, और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है यहाँ जाने वालों को। ऐसे बन जाएगा तो दिक्कतें इसका 90% ख़त्म हो जाएगी, तो ब्रिज से चले जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, किस तरह से इसका कार्य हो रहा है, तो हम एक बार रुक के दिखाना चाहेंगे। तो हमने जो वीडियो दिखाई इस तरफ की दिखाई, अब आ गए हम रेलवे क्रॉसिंग के दूसरे साइड, जो सूर्य कुंड के तरफ है। ये देखिए इसमें यहाँ किस तरह से कार्य हो रहा है। और मैं एक दिन रात को जा रहा था, 8 बजे भी इसका कार्य चालू था दोस्तों। ये देखिए किस तरह से बन रहा है ये, और ये पावर प्लांट है, जो ट्रेन का पावर प्लांट है इसका, ये पावर प्लांट है, इसके जस्ट ही बगल में ये ओवर ब्रिज फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य हो रहा है। ये देखिए इस तरह से है इसका जो पॉइंट चालू है ब्रिज का, वो उस साइड से चालू है, वो आया है, वो सूरज कुंड का जो दीवार है वहाँ से। एक बार हम दिखाएंगे आप सभी को ज़रूर। तो कुछ इस तरह से ये बन रहा है, तो जहाँ से इसका शुरुआत हुआ वो हम दिखाने वाले हैं। ये अभी हम बीच पे हैं, जो रेलवे क्रॉसिंग है, यहाँ रेलवे क्रॉसिंग है, तो हम लेके चलते हैं आप सभी को जहाँ से इसका दूसरे छोर पर शुरुआत हुआ है वहाँ पर। ये पावर प्लांट है दर्शन नगर, यहाँ बोर्ड दिया गया है, ये कुछ इस तरह से है। उसकी आगे कॉलोनी बनाई गई है, जो रहने वाले का है वो कॉलोनी बनी है इस।
ये सूर्य कुंड का दीवार है और आपको दिखता होगा अंदर से कुछ सूर्य कुंड का झलक। और यही के बगल ये देखिए जो ब्रिज है, यहाँ से शुरुआत हुआ है इसका, ये यहाँ से इसका शुरुआत हुआ है और जो मैंने पहले वीडियो में दिखाया वो शुरुआत हुआ है। तो ये कुछ इस तरह से ये बन रहा है, ये देखिए यहाँ से शुरुआत हुआ है। ये सूर्य कुंड है, जो सूर्य कुंड अयोध्या धाम जिसे कहा जाता है वो है। और जस्ट यहीं से आपको ये अयोध्या लेके जाएगा, आप सभी को राम मंदिर दर्शन करना हो, रामलला का दर्शन करना हो तो वहाँ लेके जाएगा। ये रोड जो हम आ रहे थे ये रोड है और ये ब्रिज बना है, जो ये कुछ इस तरह से ये ब्रिज बना हुआ है। इसकी लाइट वगैरह लगने के लिए यहाँ आके रखा गया है। और जो हमने वीडियो दिखाया था वो दिखाया था, ये देखिए कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। हम अपनी वीडियो का यहीं पर अंत करते हैं, मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट धार्मिक वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।